नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो पोषण ट्रैकर का नया वर्जन है 19.8 आ चुका है, इसलिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स से रिक्वेस्ट है कि वो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जो पोषण ट्रैकर का न्यू वर्ज़न है उसको अपडेट ज़रूर कर लें। तो अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जो चेंजेस आई हुई हैं। अगर हम व्हाट्स न्यू पे जाते हैं तो इसमें जो 6 चेंजेस लिखी हुई हैं, तो नंबर 5 और 6 में जो माइनर बग फिक्सेस एंड ऐप ऑप्टिमाइजेशन है, ये कोई उतना आंगनवाड़ी वर्कर से रिलेटेड नहीं है, इसमें जो सॉफ्टवेयर है उसको ठीक किया गया है। तो जो मेन आंगनवाड़ी वर्कर्स के रिलेटेड जो चेंजेस आई हैं वो 4 चेंजेस हैं। नंबर 1 है ग्रोथ हिस्ट्री इज इंक्लूडेड फॉर ऑल चिल्ड्रन कैटेगरी। दूसरा है एमपीआर डिटेल डाटा इज प्रोवाइडेड इन टेबुलर फॉर्म। तीसरा है आंगनवाड़ी वर्कर कैन टेक फोटो ऑफ देयर सेंटर्स ड्यूरिंग देयर एक्टिविटी। चौथा है कि लैक्टेटिंग मदर एंड 0 to 6 मंथ्स चिल्ड्रन एडिशन हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम अप टू 177 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी / डेट ऑफ बर्थ रिस्पेक्टिवली। तो सबसे फर्स्ट पे ही हम आते हैं, वो है ग्रोथ हिस्ट्री इज इंक्लूडेड इन ऑल चिल्ड्रन कैटेगरी। तो जैसे ही हम जो है आपके पोषण ट्रैकर में जाते हैं, तो जैसे कोई चिल्ड्रन किसी भी हम बच्चे को ले लेते हैं, जैसे जी पहला बच्चा है 6 months to 3 years आर्विका, इसके आगे हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, तो इसमें जो सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट लिखा है ग्रोथ हिस्ट्री, तो इसको क्या किया गया है कि ऐड किया गया है। इसमें बच्चे का हाइट, वेट और वेस्टिंग दिया गया है। तो इसमें फॉर एग्जांपल कि आर्विका है, इसके पिछले 3 महीने में क्या हिस्ट्री रही है, जी आंगनवाड़ी वर्कर जहाँ जो सुपरवाइज़र हैं, जहाँ जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, वो चेक कर सकते हैं। तो जहाँ पे सबसे पहले स्टंटेड है, फिर अंडरवेट है, फिर वेस्टिंग है, कि जो अलग अलग डेट में इन्होंने हाइट वेट किया है लास्ट 3 महीने में, तो वो पूरा जो डाटा है वो दिखाई देता है। दैट मीन्स एक बच्चे का हम पीछे से उसकी जो ग्रोथ हिस्ट्री है, उसकी जो हाइट और वेट की क्या कंडीशन है, उसकी जो स्टंटिंग है, अंडरवेट है, वेस्टिंग है, इसकी क्या कंडीशन है, वो हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम सेकेंड चेंज की बात करें, तो जो सेकेंड चेंज जहाँ पे हम देखते हैं वो है कि जो MPR डिटेल डाटा इज प्रोवाइडेड इन टेबुलर फॉर्म। तो अगर हम MPR में देखें, तो जो MPR है, MPR आपको पता ही है कि जैसे हम होम में जाते हैं तो जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अब जो न्यू चीज़, जो कि नई चीज़ जो MPR में आई है, वो है जैसे ही हम हर एक जो फोल्डर में देखते हैं, जैसे बेनिफिशरीज का फोल्डर है, इसके एक आगे जो ऐड किया गया कि हर एक चीज़ के आगे डाटा है, तो डाटा को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो पूरा डाटा टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। जैसे बेनिफिशरी है, कौन कौन से बेनिफिशरी हैं, न्यूली रजिस्टर हैं, जब पुराने हैं, जे सभी बेनिफिशरीज की जो लिस्ट है वो आ जाती है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को जी कई बार डाउट रहता है कि कौन कौन से बेनिफिशरीज को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया गया है लास्ट मंथ में और कौन से पेंडिंग रह गए हैं। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के आगे ही जो डाटा वाला कॉलम है, इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आ गया, जैसे है समायरा पहला है, तो इस ये जो बेनिफिशरी है जहाँ पे दिखा रहा है कि जो समायरा को THR भी नहीं दिया गया है और HCM भी नहीं दिया गया है, दैट मीन पिछले महीने में ये जो पर्टिकुलर आंगनवाड़ी वर्कर हैं, इन्होंने समायरा को THR और HCM में से कुछ भी नहीं दिया था। उसके बाद आदविक देव शर्मा, इसको जो है 25 डेज का THR दिया गया था, HCM 0 डे दिया गया था। तो इसी प्रकार सभी जो बेनिफिशरीज हैं उनको बताया गया होता है कि किस बेनिफिशरी को THR दिया गया है, किस बेनिफिशरी को HCM दिया गया है और किस बेनिफिशरी को कुछ भी नहीं मिला है। तो इसमें वैसे ही हम ये देख सकते हैं कि जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो कौन कौन से बच्चों को प्रोवाइड की गई है, जो पूरी जो लिस्ट है वो आ जाती है, और कितने दिन के लिए जो प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की गई है, जैसे जहाँ है वरुण शर्मा 25 दिन, श्रेया ठाकुर 25 दिन, तो ये पूरी लिस्ट है कि 25 डेज में जो है वो प्रोवाइड की गई है प्री स्कूल एजुकेशन। उसके बाद होम विजिट किन किन के घर हुआ है, जो पूरा जो डाटा है वो दिया गया है कि जे बेनिफिशरीज हैं जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर ने होम विजिट किया है। दैट मीन्स जो मंथली प्रोग्रेस
प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो डिटेल्ड फॉर्म में आ गई है और आगे एक टेबुलर फॉर्म में, जैसे हम ग्रोथ मॉनिटरिंग का डाटा देखते हैं तो ये सभी जो बच्चे हैं उनका स्टेटस भी दिया गया है और कितना हाइट है, कितना वेट है, लास्ट मंथ में कितना था, वो आंगनवाड़ी वर्कर्स अपने पोषण ट्रैकर में चेक कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो तीसरा हम बता रहे थे कि जो तीसरा चेंज था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज है, वो है आंगनवाड़ी वर्कर कैन टेक फोटो ऑफ देयर सेंटर्स ड्यूरिंग देयर एक्टिविटी। तो जी आपने सिंपली क्या करना है, आपने डेली ट्रैकिंग पे ही जाना है। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो डेली ट्रैकिंग पे जाएंगे तो डेली ट्रैकिंग में सबसे ऊपर है आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस। वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करेंगी कि जो अपना जो आंगनवाड़ी सेंटर है जैसे ही ओपन किया फिर आपने आंगनवाड़ी सेंटर फोटो नॉट कैप्चर लिखा है, जहाँ हम क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आ जाता है कैप्चर आंगनवाड़ी सेंटर फोटो, जहाँ पे कौन सा फ़ोटो कैप्चर करना है जी आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा। तो जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ लिखा है कैप्चर एनी वन एक्टिविटी सच एज प्रोवाइडिंग HCM डिस्ट्रीब्यूशन, कहने का मतलब है कि जब आप बच्चों को 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे जो कि रेगुलर विजिटर्स हैं आंगनवाड़ी सेंटर में उनको आप हॉट कुक्ड मील दे रहे हैं उस टाइम का फोटो खींच सकते हैं। वहाँ आंगनवाड़ी हेल्पर बैठी होनी चाहिए, वर्कर वगैरह। तो उसके बाद जो मॉर्निंग स्नैक है, जब आप मॉर्निंग स्नैक दे रहे हैं बच्चों को उस समय आप फ़ोटो खींच सकते हैं, उस समय कैप्चर कर सकते हैं फ़ोटो। उसके बाद जहाँ जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो प्री स्कूल एजुकेशन दे रही हैं बच्चों को उस समय आप फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं। काइंडली इंक्लूड चिल्ड्रन हु आर एट आंगनवाड़ी सेंटर इन द पिक्चर, तो उन बच्चों को इंक्लूड करना है जो कि आंगनवाड़ी सेंटर में है उनकी पिक्चर लेनी है। तो आपने क्या करना है कि नीचे जैसे ये शो कर रहा है जैसे ही जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा आ जाता है। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे फ़ोटो जैसे ही कैप्चर जो फ़ोटो है ये कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है ये कैप्चर करने के बाद जहाँ पे अपलोड करना होता है क्लिक द कैमरा एट द आइकॉन टू कैप्चर फोटो। जहाँ जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं क्योंकि इस समय मैं आंगनवाड़ी सेंटर में तो नहीं बैठा हुआ हूँ, तो जहाँ पे आपने जैसे ही आंगन जो पिक्चर को क्लिक कर लिया तो ये आ जाएगा, ये आ गया पिक्चर हमारा। उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर फोटो कैप्चर सक्सेसफुली आ रहा है। तो इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को जरूर आ रहा होगा कि वाई इट इज़ नीडेड, कि क्यों ज़रूरी है हमने जो पिक्चर है वो क्यों क्लिक करनी है। जैसे जहाँ पे मैं किसी रूम की फ़ोटो ही कैप्चर कर रहा हूँ जी, क्योंकि इस समय मैं आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं हूँ, इस समय मैं अपने घर में हूँ। तो इसलिए आपने क्या करना है कि ये जो फ़ोटो कैप्चर करना है ये बच्चों का ही फ़ोटो कैप्चर होना चाहिए, दूसरा फ़ोटो कैप्चर नहीं होना चाहिए। तो आगे है वाई इज़ दिस नीडेड, जहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो जहाँ पर लिखा इट इज़ मैंडेटरी कैप्चर आंगनवाड़ी सेंटर फोटो ऑन डेली बेसिस, तो जी आंगनवाड़ी वर्कर्स को कब कैप्चर करना है, जी डेली बेसिस पे फोटो खींचना है और अपलोड करना है। दिस विल हेल्प द सिस्टम टू नो दैट आंगनवाड़ी सेंटर इज फंक्शनल, इससे पता चलेगा कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो डेली आंगनवाड़ी सेंटर में आ रही है, आंगनवाड़ी हेल्पर आंगनवाड़ी सेंटर में आ रही है, बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर में आ रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर है वो फंक्शनल है, इसलिए ये जो फीचर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। तो आप लोगों ने डेली बेसिस पे जो है वो जो फोटो है वो कैप्चर करना है। ये जो था ये तीसरा था। उसके बाद अगर हम फोर्थ पे देखें कि जो फोर्थ चेंज है वो कौन सी आई है, वो है लैक्टेटिंग मदर एंड 0 to 6 month चिल्ड्रन एडिशन हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम अप टू 177 डेज फ्रॉम डिलीवरी डेट ओब्लिक डेट ऑफ बर्थ रिस्पेक्टिवली। इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे ही कोई प्रेग्नेंट लेडी है जैसे ही उसकी डिलीवरी होती है उसमें आपको पता है कि उसको हम क्या करेंगे कि वो जो प्रेग्नेंट लेडी है जैसे ही डिलीवरी होगी उसको हम माइग्रेट करेंगे लैक्टेटिंग मदर के। तो अब क्वेश्चन है कि हम कब तक माइग्रेट कर सकते हैं, तो ये दिया गया है कि 0 से लेके मतलब जिस दिन डिलीवरी हुई उस डेट से लेके जिस दिन बच्चे का बर्थ हुआ उस डेट से लेके 177 दिन के बीच में हम उसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जो आपको पता ही है कि जो लैक्टेटिंग मदर है जो धात्री महिलाएं हैं जहाँ जो बच्चे हैं 0 to 6 month उनका टोटल पीरियड कितना होता है 180 दिन, दैट मीन्स वो बेनिफिशरी हमारे 6 महीने के लिए रहते हैं वो 180 दिन। कहने का मतलब कि 0 से लेके 6 साल तक के
बच्चे जो हैं उनका अगर हम टोटल पीरियड काउंट करें तो 180 दिन बनते हैं। दैट मीन जो लैक्टेटिंग मदर भी 180 दिन तक ही रहेंगी, तो 170 दिन तक ही हम ऐड कर सकते हैं, तो लास्ट वाले जो 3 दिन हैं उसमें हम ऐड नहीं कर सकेंगे। तो इसमें तो जो कोई बड़ा इशू नहीं है। जो वैसे भी जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वे क्या करते हैं, जैसे ही डिलीवरी होती है वैसे ही जो बेनिफिशरी को, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको माइग्रेट कर देती हैं लैक्टेटिंग मदर पे। तो इसमें ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो बच्चे का ग्रोथ हिस्ट्री इंक्लूड की गई है, फिर जो MPR है उसमें काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म में आ गई है, अब हम बेनिफिशरी वाइज चेक कर सकते हैं। और जो तीसरा है वो थर्ड वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है कि जो फोटो है वो डेली बेसिस पे जो मैंडेटरी है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कैप्चर करना है और अपलोड करना है। तो इसके साथ साथ ही जैसे हम J&K की बात करें जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स को 6 महीने हो गए हैं ऑनरेरियम मिले हुए, इवन जो सुपरवाइजर्स हैं वर्दी CDPOs हैं वर्दी DPOs हैं उनको भी 6-7 महीने से जो सैलरी है वो नहीं मिली है। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स काम तो करती हैं लेकिन जो लोग हेलम ऑफ द अफेयर्स हैं, जो जैसे वर्दी डायरेक्टर मैम हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कंटिन्यूसली जो हमें जो सैलरी है वो ज़रूर प्रोवाइड करें। आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो हॉनरेरियम है वो टाइम टू टाइम मंथली बेसिस पे मिलना चाहिए। अगर मंथली बेसिस पे ना मिले तो उनके लिए तो एक किस्म का एक जो मिजरेबल कंडीशन हो जाएगी। मीन्स आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करने के लिए रेडी हैं, सभी एम्प्लाइज जो हैं वो डेडिकेशन से काम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो है कि जो सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये रिक्वेस्ट है बार बार डायरेक्टर मैम से कि उनको ज़रूर इस चीज़ को नोट करना चाहिए और जो एम्प्लाइज हैं उनको सैलरी जो है, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है, जो कि उनका बेसिक राइट है, वो उनको मिलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।